Hi everyone. So Pune man losses ₹8.56 lakh after falling for part-time job scam on Telegram. So रिसेंटली हमने एक केस डिस्कस किया था. सो विक्टिम के साथ 5-स्टार रेटिंग्स के नाम पर किस तरीके से स्कैम हुआ, हमने सब चीज़ें देखी और आज हम बात करेंगे न्यू केस पर. सो लेट्स बिगिन. सो जैसे कि हम सभी जानते हैं, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम सभी चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना, जो कि हम सोचते हैं कि अलग अलग इनकम सोर्स सभी के जनरेट हो और अच्छा पैसा कमाया जा सके. तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स. तो इसी तरीके से ये आपको अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या इंस्टाग्राम कह लो, टेलीग्राम कह लो, या व्हाट्सएप, कहीं पर भी आपको अप्रोच कर सकते हैं और सिंपल सिंपल टास्क के नाम पर आपको लूट सकते हैं. सिंपल सिंपल टास्क जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 5-स्टार रेटिंग हो गई, या आप कह लो YouTube वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कई सारे ऐसे सिंपल टास्क होते हैं जिसे करने से आपको पैसा मिल सकता है, ऐसा ये क्लेम करते हैं, राइट. लेकिन कई बार जब हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ये रास्ता इजी लग रहा है, लेकिन उसी रास्ते में सबसे ज़्यादा जो है परेशानियाँ होती हैं, ठीक है, और जो कि हमें बाद में पता चल जाता है कि हमारे साथ अब जो है स्कैम हो चुका है. तो ये है एक रीसेंट केस जो कि पुणे से है, जिन्होंने अपने 8.56 लाख जो है वो गंवा दी. सो बेसिकली इनके साथ हुआ क्या, इनके साथ फ्रॉड किया चार लोगों ने. चार लोग थे, ये चार फ्रॉडस्टर्स थे जिन्होंने इनके साथ स्कैम किया. इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जिसमें आपको टास्क करने हैं और हम आपको पैसे देंगे, बोनस भी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है. तो अब ट्रस्ट जीतने के लिए इन्होंने इनिशियल प्रॉफिट भी करवाया, मतलब इनिशियल पेमेंट्स इन्हें दी, काफ़ी चीज़ें भी इन्होंने की. ये जो मैन है बेसिकली वाघोली से हैं, ठीक है, जिनके साथ स्कैम हुआ है. इनका जो 8.56 लाख जो है 4 इंडिविजुअल्स के थ्रू जो है लूट लिया गया, ठीक है. बेसिकली इनको पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क जो है ऑफर किया गया था, कहाँ पर, टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर. सो यहाँ पे जो विक्टिम है, इनका क्या मानना है कि इन लोगों को चार लोगों ने लूटना चाहा है. सबसे पहले तो चार लोग ही आए थे इनसे कांटेक्ट करने. जो ये चार लोग हैं, दिल्ली से हैं, पंजाबी भाग से, और इन्होंने नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, रिया शुक्ला, प्रांजल सिंघल, मानवी गोयल एंड अवंतिका गुलेरिया. ये चार लोगों का इन्होंने नाम लिया है. बेसिकली यही आए थे जिन्होंने अप्रोच किया टेलीग्राम पर, और इन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगी और कहा कि आपको कुछ सिंपल टास्क करने होंगे, लाइक हम आपको कुछ लिंक्स देने वाले हैं जिसमें आप कुछ फॉर्म फिल करने होंगे और कुछ ऐप्स होंगे जिन्हें उन्हें डाउनलोड कर लेना है. साथ ही साथ वे प्रॉमिस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होगी हम आपको वापस कर देंगे, साथ ही साथ बोनस वगैरह आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. यानी कि यहाँ पे लालच देने की कोशिश की गई. साथ ही साथ वो कहते हैं यहाँ पे कि अब क्या होता है, विक्टिम को चलो ट्रस्ट होने लगा कि ठीक है, अगर ये ऐसे कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं. सो अब इनका जो मेन खेल है वो शुरू हो जाता है यहीं से. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप ये जो टास्क हम आपको दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर रहे हो पैसे, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको अच्छे खासा रिटर्न नहीं मिलेगा. दूसरी चीज़, आपके पास जितना भी पैसा आया है ना आपके अकाउंट में, जो भी हमने अब तक आपको दिया है, यानी कि जो लुभाने के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, वो भी आप नहीं विड्रॉ कर पाएंगे. तो यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती विक्टिम कर रहे हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं. तो बड़े बड़े अमाउंट वो यहीं से दे देते हैं उनके मल्टीपल अकाउंट्स में, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, 8.56 लाख जो है मल्टीपल अकाउंट में डाल दिए. इसके बाद उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उनके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि कोई भी कांटेक्ट का सोर्स अब नहीं रह जाता है. ब्लॉक हो जाते हो आप, बिल्कुल कोई सोर्स नहीं रह जाता है कि आप इनसे बात कर सकें, कोई भी सोर्स नहीं रह जाता है. तो यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां हो रही हैं बार बार. तो कहाँ पे गलतियां हो रही है, जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि स्कैम हो गया, उससे पहले ही आप ये कर देती हो कि जितना भी आपके पास उनकी तरफ से आया है वो भी आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगी. तो क्या हो गया, अगर आप अपना जो भी उन्होंने आपको दिया है, 150 दिया है, 500, 10,000, लेकिन आपके लाखों रुपये से तो ज़्यादा नहीं हो सकते ना वो, जो आप उन्हें दे देते हो. तो ये चीज़ें सॉल्व होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बहुत टाइम तक आपको धक्के खाने पड़ जाते हैं पुलिस के. सो ये जो केस है ये अभी तक चल रहा है. देखो, मनी रिकवरी की गारंटी नहीं होती है, बहुत हद तक नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट उनके पास चले जाते हैं और इनको पकड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ये लोग कहाँ बैठे रहते हैं, क्या ये करते हैं, किस तरीके से ये लोग सारी चीज़ें चलाते हैं, ये सब पता लगाना पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है. इसलिए बार बार पुलिस की तरफ से भी बोला जाता है कि आप लोग अवेयर रहें और इस तरीके की जॉब्स में ना पड़ें, स्पेशली जो टेलीग्राम में आ रही हैं, जो ऑनलाइन जॉब्स के नाम पर ये आप इतने लोग ठगी कर लेते हैं,
ठीक है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में ही अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। टेलीग्राम में तो इतना ज़्यादा स्कैम आजकल बढ़ गया है कि टेलीग्राम को भी कुछ एक्शन ले लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, बट यहाँ पर कोई एक्शन अभी तक दिख नहीं रहा है किसी का भी। एंड ये लोग ऑफर करते हैं अपॉर्चुनिटी कि आप ऑनलाइन टास्क कीजिए, वीडियोज़ वॉच कर लीजिए, कोई भी रिव्यूज़ जो है वो दे दीजिए या रेटिंग्स दे दीजिए, कुछ भी टास्क हो सकता है, फॉर्म फिलिंग का हो सकता है, कोई भी ऐप डाउनलोड का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपसे कुछ भी करवा सकते हैं और ये बोल सकते हैं, ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम आपको पैसे देंगे। तो सेम खेल इनका शुरू हो जाता है कि अगर आप डिपॉजिट नहीं करेंगे पैसे तो जितना भी हमने आपको दिया है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, साथ ही साथ ये आपको धमकियाँ भी देना शुरू कर देते हैं कि हम आपका अकाउंट हैक कर लेंगे। इसके बाद कई लोग जो है डर जाते हैं, कई बार सुसाइड तक अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग लोन्स लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा जो है बहुत हद तक डूब जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये लोग सभी कुछ जो है फेक चीज़ें आपको दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट्स हो गए, किसी दूसरे इंडिविजुअल का प्रॉफिट हो गया, अर्निंग हो गई, इनफैक्ट ये आपको धमकियाँ भी देना शुरू कर देते हैं कि हम आपका अकाउंट ही हैक कर देंगे। बहुत चीज़ें ये लोग करते हैं और जो भी ये चीज़ दिखाते हैं आपको, जो भी प्रूफ दिखाते हैं, ये सब फेक होता है, ये आप हमेशा याद रखें। सो फ्रेंड्स, हम सभी यही चाहेंगे कि इन सभी विक्टिम्स का जो मनी है वो रिकवर जल्द से जल्द हो सके और उनका मेहनत का पैसा उनको मिल जाए। साथ ही साथ मैं यही आशा करती हूँ कि हर केस से आप कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कोई भी इस तरीके के स्कैम में ना फंस पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।